नेमिसारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी, भेड़वंजन गुजरात से पधारे महंत कमलनाथ जी, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायण गिरी जी, बड़ोदरा गुजरात से पधारे महंत गंगादास जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री सुभाष जी, हमारे माननीय सांसदगण श्री रवि किशन शुक्ला जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, डॉक्टर रामपदराम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर, माननीय विधायकगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह जी और अन्य सभी विद्वज्जनों, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, इन सब के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, माणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के आचार्य प्राचार्य और छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पा रहे हैं या जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूज्य संतों का, विद्वज्जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं इन दोनों पूज्य संतों का पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। पूरा जीवन इन्हीं उन्हीं मूल्यों के लिए, उन्हीं मुद्दों के लिए और समाज की उन आवश्यकताओं के लिए इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। आज ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि है। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश और धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोक कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, छुआछूत और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, गोरक्षा के लिए, भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, सभी उन मुद्दों को उन्होंने न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि अपनी भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भी उन पूरे कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत आसान होता है कि किसी कार्यक्रम के साथ अपनी सहमति दे करके और उससे बाद में मुकर जाना या भाग जाना, लेकिन इन दोनों पूज्य संतों ने जिन परिस्थितियों में कार्य किया था वे चुनौतीपूर्ण थी। आप याद करिए, देश पराधीन था तब, भारत के अंदर भारतीयता के अनुकूल शिक्षण प्रशिक्षण की बात करना, उस कालखंड में से राम जन्मभूमि की बात करना, गोरक्षा की बात करना, भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात करना, उसकी वकालत करना, देश आजाद हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था को कोसने की जो एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, उसके खिलाफ मुखरता के साथ आवाज बुलंद करना, छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ तमाम रूढ़िगत धाराओं को का विरोध करते हुए मुखर होकर के आगे बढ़ करके कार्य करना, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उस समय की आवश्यकता थी और जिसकी शाश्वतता आज भी बनी हुई है, जिसकी प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में भी बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। साप्ताहिक कार्यक्रम में आपने उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन यहां पर
आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इस पूरे आयोजन के दौरान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ ही हमारे जो विद्वान वक्ता थे, पूज्य संतजन थे, इन सब के सानिध्य में एक पूरे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए। मैं इस पूरे आयोजन की ओर से जो भी यहाँ पर उपस्थित थे, पूज्य संतजन, जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्वज्जन, उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए गोरखस्पीठ देश और धर्म की सेवा के लिए मानव कल्याण के उस अभियान को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य महाराज श्री एवं पूज्य संतजनों विद्वत जनों के श्री चरणों